जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सुशाती स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन, सभी साथी एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे, ठीक है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है अगर डाउनलोड नहीं किया तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये जो ऐप है डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जिनको भी हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है गद्य और पद्य साहित्य के, वो दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है, ठीक है। तो ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और दोस्तों ये 3000 क्वेश्चन की एक बुक है ना, इसमें महत्वपूर्ण लगभग 3000 MCQ है। और दोस्तों और इसमें कथन भी है, रामचंद्र शुक्ल आदि के महत्वपूर्ण कथन भी है। जिनको ये मंगवाना है मात्र 599 में मंगवा सकते हैं आप अपने घर पर, स्पीड पोस्ट से आपके घर पर ये बुक भेजी जाएगी दोस्तों, ठीक है। और जिन भी साथियों को TGT PGT वाले कोर्स में एडमिशन लेना है वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले, ठीक है। और इस वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, अभी भी बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस सेशन को दोस्तों। सभी साथी आ चुके हैं भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं, किस संकलन के पात्र हैं, सभी लोगों को बताना है और एक बार जल्दी से लाइक करना है। भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन का पात्र हैं। रीनू जी, नीतू जी, सभी लोग बताएंगे और एक बार शेयर जरूर कर देना सभी साथी। 56 नंबर का क्वेश्चन है, 56 नंबर के क्वेश्चन में 56 का राइट आंसर बताना है और सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। डी नंबर स्मृति की रेखाएं आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्या बोलूं क्या याद करूं ये बताना है, किस विधा की रचना है 57 में, किस विधा की रचना है। प्रियंका जी, मीना जी, क्या बोलूं क्या याद करूं कविता है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर आत्मकथा है। क्या बोलूं क्या याद करूं, क्या बोलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है, 57 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा कि सर ये आत्मकथा है। अभी आत्मकथा है तो किसकी आत्मकथा है ये भी बता दो जरा, किसकी आत्मकथा है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आएंगे, बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है, बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है। पुष्पा जी, प्रियंका जी, उग्र जी का, बच्चन, गुलाब राय या फिर यशपाल, 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर किसी को पता है इनके जो दोस्तों आत्मकथा है उनके जो भाग है वो किसके सन में प्रकाशित हुई है वो भी आप लोग बता देना। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का एक भाग माना जाता है बसेरे से दूर, ठीक है। तो इनके जो चार भाग में प्रकाशित है वो चारों भाग के नाम भी बता दो, कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा साथी हो। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, रसीदी टिकट सभी लोग बताइए। बच्चन सिंह की आत्मकथा कितने भागों में है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया न्यू अकेडमी जी, तो आपको बताना है। चयन करिए जल्दी से, 59 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, रसीदी टिकट और 59 का उत्तर है। सभी लोगों ने बताया कि सर प्रीतम की टिकट कट गई, टिकट किसकी, प्रीतम, प्रीतम से अमृता प्रीतम है ना, तो आपका ये जो सी नंबर है अमृता प्रीतम बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है, 60 नंबर सभी लोगों को पता है ना। राकेश जी बहुत बढ़िया है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर, बहुत बढ़िया। तो मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना मानी जाती है बताइए, यहां पर चयन करना है। अभिषेक जी चयन करिए, बहुत बढ़िया। अर्चना जी, मनीषी की लोक यात्रा, प्रीति तिवारी जी चयन करिए, ये रोज होती है क्लास सभी साथियों के लिए, ठीक है। और 60 नंबर का क्वेश्चन है, 60 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का उत्तर जा रहा है बी,
यानी कि ये सर जीवनी है, मनीषी की लोक यात्रा ये क्या है जीवनी। बी नंबर ठीक है, चीनों पर चांदनी की रचनाकार कौन है 61 नंबर। मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन है ये भी बताना है अस्मित ठाकुर जी, मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन है। और बात आती है चीनों पर चांदनी इसके रचनाकार कौन है, यशपाल, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर नगेंद्र या फिर निर्मल वर्मा। चीनों पर चांदनी और अपन ने पढ़ा है 61 में, सभी लोग लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर भी कर दें। और आपको पता है कि सर चीनों पर चांदनी कैसी लगती है, बड़ी निर्मल निर्मल लगती है, ठीक है, तो निर्मल निर्मल लगती है, तो निर्मल वर्मा चीनों पर चांदनी निर्मल निर्मल लगती है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा व्रत लेखक किसे माना जाता है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा व्रत लेखक बताना है राखी जी। चयन करो 62 नंबर के क्वेश्चन में, जिन भी साथियों को 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज बुक जो है वो आप अपने घर पर मंगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं। TGT PGT वाले हों, RPSC वाले हों या MP TET वाले सभी साथी इसको मंगवा सकते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर है दोस्तों इसका राहुल सांकृत्यायन, सर्वश्रेष्ठ यात्रा व्रत लेखक माने जाते हैं। बी आपका बिल्कुल सही है, रूस में 25 माह है इसके लेखक कौन है, रूस में 25 माह है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, रूस में 25 माह बताना है, जल्दी से बताइए रूस में 25 माह। सुनीत जी, शांति जी, आशा यादव जी, भारतेंदु, बनारसी दास चतुर्वेदी, रांगे राघव या फिर राहुल सांकृत्यायन। 63 नंबर 63 नंबर का क्वेश्चन है और 63 नंबर में रूस में 25 माह इसके लेखक कौन है, लेखक पूछा है भाई साहब, सभी लोग बताएंगे, लवली ठाकुर जी, संगीता जी, राइट आंसर है कि सर ये जो है इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। डी आपका सही है, रूस में 25 मास, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। 63 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन है, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन है। 64 में सभी लोग बताइए, चयन करिए जल्दी से, विनोद कुमार जी चयन करो फटाफट से, शेयर कर दो विजय शंकर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 64 नंबर का प्रश्न है, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा इसके लेखक कौन है, लेखक बताना है, राहुल सांकृत्यायन है, यशपाल है, अज्ञे है या फिर मोहन राकेश है। 64 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को आंसर चयन करना था, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा इसके इनके जो लेखक हैं वो कौन है, राहुल सांकृत्यायन है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है उत्कर्ष जी। सरयू पार की यात्रा इसके लेखक कौन है, सरयू पात्र की यात्रा, शेष यादव, ममता जी, माही राजपूत जी, सभी साथी दोस्तों जिनको भी मंगवाना है, मास्टर कैडर वाले साथी भी मंगवा सकते हैं। सरयू पार की यात्रा इसके लेखक कौन है, 65 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने सभी साथियों से बोल दिया है। और दोस्तों बाद में नहीं बोलना, जब पेपर आ जाए और पेपर के 10 दिन बचे और आप बोलो सर आप भेज दें, तो फिर मैं भेज नहीं पाऊंगा, क्योंकि 7-8 दिन तो दोस्तों क्या है पहुंचने में लगता है, ठीक है। तो सरयू पार की यात्रा 65 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर जा रहा कि सर बी यानी भारतेंदु, सरयू पार की यात्रा बी नंबर आपका सही है। क्षण बोले कण मुस्काए नामक कृति किस विधा की मानी जाती है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र या फिर रिपोर्टाज है। क्षण बोले कण मुस्काए, 66 का उत्तर है क्षण बोले कण मुस्काए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चयन करिए सुनील तिवारी जी, सीमा शुक्ला जी, क्षण बोले कण मुस्काए 21 विधा की रचना मानी जाती है, संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है, बताइए शांति जी। 66 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और शेयर भी कर देना सभी साथी, क्षण बोले कण मुस्काए 66 में।
क्षण बोले कण मुस्काए। कुछ लोग बी बता रहे हैं और आपका उत्तर है कि सर क्षण बोले और कण मुस्काए ये संस्मरण है, ठीक है, और आपका उत्तर है बी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला है तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच बताइए जल्दी से, तूफानों के बीच माया राम जी, तूफानों के बीच। और आपको बताए कि सर अगर तूफानों के बीच फंस गए हो तो आपकी मदद कौन करेंगे? आपकी मदद करेंगे कौन? राघव, है ना, तो रांगे राघव। तूफानों के बीच ये बंगाल के अकाल से संबंधित दोस्तों ये रिपोर्टाज माना जाता है, बंगाल के अकाल से संबंधित है। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? आखिरी चट्टान तक 68 में बताइए, चयन करिए। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्त के लेखक बताना, वीडियो को शेयर कर देना सभी साथी। और सभी लोगों को पता है, प्रियंका जी, रोहिणी जी, सुषमा जी, कि सर आखिरी चट्टान तक जमी रहे कौन? जमी रहे मोहन राकेश, ठीक है। आपका उत्तर मोहन राकेश बिल्कुल सही आंसर है, ये नंबर राइट आंसर है, वेरी गुड आंसर। प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा चयन करो, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज ये किसकी कृति है? प्लाट का मोर्चा बताना है, सभी लोग बताएंगे। और जिन भी साथियों ने 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज नहीं मंगवाई अभी तक, आप सभी साथी मंगवा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों शुद्ध रूप से बनाई गई है, है ना, टॉपिक वाइज प्रश्न है, टॉपिक वाइज प्रश्न है और उत्तर माला भी है, ठीक है, उत्तर माला भी है, हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के टॉपिक वाइज एमसीक्यू, बहुत ही सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लाट का मोर्चा, और प्लाट का मोर्चा कौन संभाल रहा है? कोई बहादुर ही संभालेगा। प्लाट का मोर्चा कोई बहादुर ही संभालेगा, बहादुर, शमशेर बहादुर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मेरी जर्मन यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा इसके लेखक कौन है? 70 नंबर का क्वेश्चन है। अनुज जी बताइए, अमित कुमार जी, मेरी जर्मन यात्रा, रांगे राघव, राहुल सांकृत्य, सत्यदेव परिव्राजक, शिव प्रसाद गुप्त, मेरी जर्मन यात्रा 70 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है यहां पर, मेरी जर्मन यात्रा, और मेरी जर्मन यात्रा के लेखक बताना है, है ना, मेरी जर्मन यात्रा। और सर जर्मनी की यात्रा बहुत सत्य यात्रा थी, सत्य यात्रा थी, सत्य अपन को याद कर लेना है, सत्य यात्रा थी। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, मेरी जर्मन यात्रा, ठीक है, मेरी जर्मन यात्रा बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, मेरी जर्मन यात्रा सही है, तो सत्य थी। ठीक है, ये भी अपन को याद करना है, ठीक है, तो मेरी जर्मन यात्रा सत्यदेव परिव्राजक, बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा बताना है। सभी लोग बताइए, युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन? 71 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है। ठीक है, तो युद्ध यात्रा आपको बताना है, 71 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये युद्ध यात्रा, हम धर्म धर्मवीर जो होते हैं वो युद्ध यात्रा में जाते हैं, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लो दोस्तों आप लोग, है ना, ये क्षण बोले कण मुस्काए, ये संस्मरण नहीं, ये रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज, इसको क्षण बोले कण मुस्काए, रिपोर्टाज है, डी नंबर आप इसको सही कर लो, ये रिपोर्टाज है दोस्तों, ठीक है, रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज, ठीक है, क्षण बोले कण मुस्काए, ठीक है, रिपोर्ट अपन को याद कर लेना,
है ना, अगर कण कण मुस्काओगे तो बोले हम रिपोर्ट कर देंगे रिपोर्ट, है ना। क्षण बोले कण मुस्का रिपोर्ट एट कल्लू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है डी नंबर बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, घुमक्कड़ शास्त्र बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र, यानी 72 नंबर का क्वेश्चन है। 72 में सभी लोग बताइए, चयन करिए जल्दी से, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं, राहुल सांकृत्यन, यशपाल, प्रेमचंद या फिर अज्ञेय माने जाते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र बताना है, चयन करिए 72 नंबर के क्वेश्चन में। घुमक्कड़ शास्त्र तो लगभग सभी को पता है कि सर राहुल सांकृत्यन, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया। ये नंबर अप्रवासी की यात्राएं, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है, अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र है, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल या फिर कन्हैया लाल नंदन, अप्रवासी की यात्राएं 73 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर देखते हैं कौन कौन बता रहा, अप्रवासी की यात्राएं, टमाटर आज ज्यादा ही लाल है क्या, है ना, बोले सर ज्यादा ही लाल है, पक गया है ज्यादा, अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र, वेरी गुड आंसर, ये नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर डॉक्टर नगेंद्र है। इनमें से निर्मल वर्मा की कृति कौन सी है, निर्मल वर्मा की कृति बताना है, बताइए सुनीत सिंह जी, चयन करिए निर्मल वर्मा की कृति बताना है, अर्चना जी 74 का उत्तर वीडियो को शेयर भी कर देना जल्दी से, निर्मल वर्मा और 74 का उत्तर है चीड़ों पर चांदनी बड़ी निर्मल निर्मल लगती है, सी नंबर बहुत बढ़िया, सीडन सही है ना। अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है 75 में, अरे यायावर रहेगा याद, प्रियंका जी, प्रेम जी बताइए, सुनील जी टमाटर में उछाल है ना, आलू बेहाल है, टमाटर में उछाल है आलू बेहाल है, अरे यायावर रहेगा याद तो पता है, बोले क्या याद रहेगा, बोले सर अज्ञे, अज्ञे तो अज्ञे से सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उसके पहले सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से असत्य कथन को अलग कीजिए, असत्य कथन को अलग करना, एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत है, यात्रा व्रत है या फिर हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यन है या फिर मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु जी का यात्रा व्रत है, कौन सा कथन दोस्तों असत्य है, असत्य कथन को अलग करना है। सुनीता मौर्य जी 76 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। अच्छा खाना बना रहे हो टमाटर जी, बहुत बढ़िया, 76 नंबर का क्वेश्चन है, 76 में उत्तर जा रहा है कि सर एक बूंद सहसा उछली ये तो यात्रा व्रत है, बाकी हमारी जापान यात्रा ये राहुल सांकृत्यन का नहीं है, बी नंबर आपका सही है, फिर ये किसका है बताइए, नीतू जी, तनु जी, हमारी जापान यात्रा के लेखक कौन है, उसके बाद सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है, 77 नंबर का क्वेश्चन है। मुस्कान जी, कन्हैया जी, आशुतोष जी, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की दोस्तों पहली किरण तक, माही जी, राज यादव जी, जल्दी जल्दी से बताते जाओ, शेयर करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, 3000 एमसीक्यू की बुक जिनको मंगवाना है, ये वाली बुक देखो पास में ही रखे हम, ये बुक है ना, जिनको भी मंगवानी है ये बुक आप अपने घर पर मंगवाइए, ठीक है, ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है, मंगवा सकते हो, है ना, बाय पोस्ट आपके घर भेजेंगे, ठीक है। तो ये सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक सभी को पता है कि सर ये 77 नंबर का क्वेश्चन है, 77 नंबर में सुरेंद्र वर्मा जी का है, डी नंबर आपका सही है, ठीक है। छठवां दशक किस विधा की रचना है, छठवां दशक बताना 78 नंबर के क्वेश्चन में, कविता है, नाटक है, उपन्यास या फिर आलोचना, छठवां दशक बताना है, बताइए बबीता यदुवंशी जी, छठवां दशक किस विधा की रचना है, छठवां दशक पूछा 78 नंबर के क्वेश्चन में, कौन कौन सफल होता है और सभी लोगों को छठवां दशक बताइए, कौन कौन बता रहा छठवां दशक, और छठवें दशक में सभी लोगों ने बताया कि सर ये ना तो उपन्यास है, ना नाटक है, ना कविता है, फिर क्या है, छठवां दशक,
तो ये आलोचना है। क्या है? आलोचना। क्या है भैया? आलोचना। छठवां दशक डी नंबर आपका सही है। सुनील तिवारी जी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसकी विधा क्या है? फूल नहीं रंग बोलते विजय शंकर जी, विधा क्या है? डायरी, आत्मकथा, रेखा चित्र या कविता? फूल नहीं रंग बोलते हैं। राजीव मोर जी, आशीष जी, सभी लोग बताइए कहां पर प्रेम जी चौरसिया टमाटर के पीछे पड़ गए क्या भैया आप भी? फूल नहीं रंग बोलते, तो आपका उत्तर हो जाएगा 79 में। पुरी सर, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसकी विधा बताना है। 79 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया। सभी का आंसर है कि सर एक कविता है केदारनाथ अग्रवाल की, ठीक है। क्या गोरी क्या, क्या गोरी क्या, गोरी क्या सांबरी, किस विधा की रचना है? क्या गोरी क्या सांबरी, क्या गोरी और क्या सांबरी, बताइए। प्रिया जी, प्रमोद जी, चयन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या गोरी क्या सांबरी, क्या सांबरी कहानी है, जीवनी है, रेखा चित्र है, उपन्यास है, ये बताना है। लाइक करना है, शेयर करना है। 80 नंबर के क्वेश्चन में क्या गोरी क्या सांबरी ये रेखा चित्र है, क्या है? रेखा चित्र। डी नंबर 80 नंबर के क्वेश्चन में है ना, क्या गोरी क्या सांबरी ये क्या है? बोले सर ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। स्मृति के, स्मृति के दोस्तों कण, स्मृति कण, स्मृति कण की रचनाकार कौन है? स्मृति कण, स्मृति कण बताना है। सक्षम जी, सुनीत सिंह जी, स्मृति कण, सपना सिंह जी, सभी लोग बताइए स्मृति कण के रचनाकार कौन है, स्मृति के कण कौन बन गए? और उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सर सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास क्या बन गए? स्मृति कण बन गए, है ना, स्मृति, ठीक है। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, सभी लोग बताइए। ठीक है, सभी लोगों को चयन करना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। स्मृति कण, सेठ गोविंददास, माटी हो गई, ये दोस्तों, ये क्या गोरी क्या सामरी, ये देवेंद्र सत्यार्थी का है, देवेंद्र सत्यार्थी का है ना। संस्मरण और रेखा चित्र में दोनों में ही रख लिया जाता है इसको कभी कभी। फिर इससे यहां पर माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, बताएं चयन करिए। माटी हो गई सोना 82 नंबर का क्वेश्चन है, 82 में। सभी का उत्तर है कि सर कन्हैया जी अगर आ जाए तो माटी सोना हो जाएगी, बी नंबर आपका सही है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है? 83 नंबर का क्वेश्चन है। बोलती प्रतिमा, बोलती है प्रतिमा किसकी, बोलती है प्रतिमा किसकी, बोलती है प्रतिमा, बोलती प्रतिमा पद्मसेन शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा, सेठ गोविंद दास। तो आपको बताएं कि सर बोलती है प्रतिमा, बोलती है प्रतिमा किसकी? श्री राम की, सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र है? अमिट रेखाएं, अमिट रेखाएं बताना, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र संकलन है? 84 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर अमिट रेखाएं कैसी होती हैं? सत्य की जो रेखाएं होती हैं, सत्य की रेखाएं वो अमिट होती हैं, सत्य की रेखाएं अमिट होती हैं, है ना। तो आपका उत्तर क्या है? सत्यवती मलिक, है ना, सत्य की रेखाएं अमिट होती हैं, आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। सेतुबंध किसकी रचना है? सेतुबंध 85 नंबर के क्वेश्चन में, सेतुबंध कई बार पूछा है रोहिणी जी, कल्पना जी, बताइए जल्दी से। आस्था जी, दिव्या पाल जी, 85 नंबर के क्वेश्चन में आपने बताया कि सर सेतुबंध,
सेतु बंध बनाना है अपन को, बताओ सेतु बंध कहां पर? बोले सर सेतु बांध जो बना है वो भी बहुत चतुर तरीके से बना है, चतुर, बनारसीदास चतुर्वेदी, बी नंबर, बनारसीदास चतुर्वेदी, ज्यादा अपनी कम पराई, जो ज्यादा अपनी बताते हैं और कम पराई बताते हैं वो क्या करते बताओ, वो क्या करते हैं, जो ज्यादा अपनी और कम पराई बताते वो क्या करते हैं, भारतेंदु अस्क बहाते हैं क्या? बोले सर जो ज्यादा अपनी बताते हैं और कम पराई बताते हैं वो अस्क बहाते, अस्क, तो उपेंद्र नाथ अस्क, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी नंबर, ठीक है। लंका महाराजन, लंका महाराजन के रचयिता कौन है? राजरानी जी, निशा जी, सभी लोग बताएं, गीता जी लाइक जरूर कर दो, और लंका महाराजन इसके रचयिता बताना है, रेशु जी 87 नंबर के क्वेश्चन में, सभी लोगों का आंसर जा रहा कि सर लंका महाराजन है ना, ओम ओमकार, ओम का क्या करती है, जाप करती है लंका महाराजन, ठीक है, ओमकार ओमकार शरद, लंका की महाराजन ओम का जाप करती है, ओमकार शरद, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया प्रतिमा जी। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, अगला क्वेश्चन है भाषा और समाज के लेखक कौन है? 88 नंबर, भाषा और समाज के लेखक धीरेंद्र वर्मा है, सुनीति कुमार चटर्जी है, रामविलास शर्मा है, भोलानाथ तिवारी है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? वैष्णवी जी, पार्वती देवी जी, भाषा और समाज, भाषा और समाज, तनु जी बताइए, प्रियंका जी, भाषा और समाज के लेखक धीरेंद्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, रामविलास शर्मा या फिर भोलानाथ तिवारी? 88 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर भाषा और समाज, भाषा और समाज है ना, राम रामविलास शर्मा, सी नंबर, जो कि मार्क्सवादी आलोचक है, प्रगतिवादी आलोचक है, भाषा और समाज, रामविलास शर्मा, 1912 में जिनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। भोला राम का जीव, इसकी विधा क्या है, किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर व्यंग है? 89 नंबर के क्वेश्चन में भोला राम का जीव, दारसू जी, बीनू जी बताइए, भोला राम का जीव कहां पर अटक गया था? बोले सर फाइलों में अटक गया था, फाइलों में है ना, भोला राम का जीव फाइलों में अटक गया था, और फाइलों में अटक गया भोला राम का जीव तो ये क्या है? बोले सर एक व्यंग है, ये क्या है? व्यंग, तो व्यंग से क्या बनेगा? डी, डी से डी, व्यंग आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। विकलांग श्रद्धा का दौर, 90 नंबर के क्वेश्चन में, निरंतर रोज रात्रि 9 बजे इसी प्रकार से क्लास होती है, अगर आप एडमिशन लेते हैं मात्र 1500 रुपए में तो उसमें पेड क्लासें होती हैं दोस्तों, शाम को 5 से 5:40, 6:30 से 7:10 ये क्लासें भी होती हैं, ठीक है, लेकिन वो पेड वाली होती हैं, पेड वाले कोर्स में दोस्तों रिकॉर्डेड भी रहता है, टेस्ट भी रहते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, 90 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा कि सर ये जो है ये क्या है, हास्य व्यंग है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। हरिशंकर परसाई, अरे यायावर याद रहेगा, इसके लेखक कौन है? 91 में रेखा जी बताइए, सिद्धि जी, प्रेम जी, सुनील जी, नीलम जी, गीता जी, सभी लोग चयन करेंगे, अरे यायावर रहेगा याद, रहेगा याद, जल्दी से बताइए। मंजू यादव जी, अभी तक समझ में नहीं आया कि लाइव है कि नहीं है, है ना, तो यहां पर आपका अरे यायावर रहेगा याद पूछा है, और आपका उत्तर है अग्गे, अग्गे, बोले मैंने कहा याद रहेगा कि नहीं जो आप पढ़ रहे, बोले सर अग्गे पता नहीं, इस कान से ले रहे हैं इस कान से निकाल दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, है ना, इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसे नहीं मिला आपको बताना है। इट्स जी बताइए, रीनू जी, ममता जी, विजय यादव जी, 92 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने मित्रों को, रोज रात्रि 9 बजे इसी क्लास में डटे रहना है, और ये जो बुक है हिंदी साहित्य की लगभग 3000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है, ये बुक है, ये बुक आप अपने घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों मंगवा सकते हैं, शुद्ध रूप से, सबसे बड़ी बात है कि ये संशोधित बुक है, इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही संशोधित है, है ना, तो जिनको भी मंगवाना है मंगवा सकते हो आप अपने घर पर, ठीक है। तो आपको बताया कि सर सुमित्रानंदन पंत को तो मिला है 1968 में मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है 1982 में मिला है, ठीक है,
दिनकर को मिला है 1972 में, मिला है 1972 में, लेकिन गुप्त जी को नहीं मिला है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से हम हसमत नामक पुस्तक किसने लिखी, 93 नंबर के क्वेश्चन में हम हसमत नामक पुस्तक किसने लिखी है, किसने लिखी है प्रीति जी, चयन करिए मोटिवेशनल इंदु जी और सभी लोगों का, संतोष कुमार जी, हम हसमत नामक पुस्तक लिखी किसने है आखिर, तो लगभग सभी को पता है हम हसमत कृष्णा कृष्णासोक्ति कृष्णासोक्ति, बोले हसमत हसमत कृष्णा सोती है ना। जैसे आप मान के चलो कि आपके घर में कोई सो रहा है और कोई आकर के बहुत जोर जोर से हंसने लगे तो आप क्या बोलोगे, हंसो मत, कोई सो रहा है, ऐसे ही हसमत कृष्णा सोती है, हसमत कृष्णा सोती है, तो हसमत कृष्णा सोती याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पर अपन को बताना है, सूचियों को सुमेलित करना है, सही कोड का चयन करना है। यहां पर आ जाते हैं, दूसरी परंपरा की खोज ये किसकी रचना है, रश्मि मानसा के रचनाकार कौन है, निराला की साहित्य साधना और कालिदास की लालित्य योजना इसके रचनाकार कौन है। तो दूसरी परंपरा की खोज लोग करते हैं काय के लिए, बताओ। क्वेश्चन है 94 नंबर, 94 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को चयन करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता है कि सर दूसरी परंपरा की खोज करते हैं लोग काय के लिए, नाम के लिए करते हैं। रश्मि मानसा, रश्मि की मनसा रामचंद्र शुक्ल, निराला की साहित्य साधना राम विलास शर्मा, ठीक है, कालिदास की लालित्य योजना, लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी, बोले सर कालिदास की लालित्य योजना हमने हजारों बार देखी है ना। रश्मि मानसा दूसरी परंपरा की खोज काय के लिए करते, नाम के लिए, तो नाम बार से, ठीक है। और निराला की साहित्य साधना तो आपने पढ़ी है, रामविलास शर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग तैयार रहना उत्तर बताने के लिए। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित करना है यहां पर, बताइए। 95 नंबर के क्वेश्चन में रचना काल की दृष्टि से दोस्तों आरोही क्रम में बताना है। श्वेता जी, दीपा जी, सभी लोग बताएंगे, लाइक भी कर देना जल्दी से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना। रतिपाल जी, पार्वती जी, 95 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी का आंसर जा रहा कि सर यहां पर सबसे पहले तो चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत और दूसरी परंपरा की खोज। इस प्रकार से आपका ये नंबर जो विकल्प है, ये नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस कृति में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण अंकित किए हैं, 96 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। हमारे सभी साथी टीजीटी पीजीटी वाले साथी हो या फिर एमपी टेट वाले साथी हो, तब आपका उत्तर है यहां पर किस कृति में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण अंकित किए हैं, और अंकित किए हैं तो वो हैं पथ के साथी, पथ के साथी, सी नंबर आपका पथ के साथी सही है। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर बताना है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, कलम का मजदूर बताइए, लाइक जरूर कर देना है ना, कलम का मजदूर बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है कलम का मजदूर, ठीक है। प्रेमचंद, अमृत राय, मदन गोपाल या फिर रामविलास शर्मा, बताइए। ज्योति कुमारी जी, कलम का मजदूर बताना है। अजय कुमार जी, अच्छा ही क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक शेयर कर देना सभी साथी। कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है, प्रेमचंद है, अमृत राय है, मदन गोपाल या फिर रामविलास शर्मा है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर जा रहा कि सर कलम का सिपाही अगर पूछते, सिपाही, तो सिपाही में आपका उत्तर होगा, सिपाही में अमृत राय, और मां से मजदूर, और मां से मदन गोपाल, मां से मदन गोपाल और मां से मजदूर, तो कलम का मजदूर इसके लेखक मदन गोपाल है, मदन गोपाल, और कलम का सिपाही, सिपाही अमृत राय,
ठीक है। निराला की साहित्य साधना के कितने खंड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 98 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, बिंदु लता जी बहुत ही बढ़िया, लाइक शेयर जरूर कर देना। निराला की साहित्य साधना इसके खंड कितने हैं, खंड कितने हैं अंश जी, रागनी जी दो हैं, तीन हैं, या फिर बिल्कुल सीमा शुक्ला जी बोले, सीमा शुक्ला जी बोले सर हमारा भी नाम ले लिया करो, बिल्कुल ले लिया करेंगे, बिल्कुल आपने बोल दिया ना, है ना, बहुत बढ़िया। निराला की साहित्य साधना, साहित्य साधना जल्दी से बताइए जल्दी से, और आपका उत्तर जा रहा कि सर निराला की साहित्य साधना है ना, साधना, साधना में भी तीन वर्ण आ रहा है, बोले सर साधना में, और साधना तो तीन, तीन से बी नंबर, तीन नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है राम वृक्ष, इनके दोस्तों लेखक को सही सुमेलित करना है, 90 नंबर के क्वेश्चन में, आबारा मसीहा के लेखक कौन है ना, स्मृति की रेखाएं, कलम का सिपाही, माटी की मूर्तें, चयन करो जल्दी से, फटाफट से बताना है, और आपका राइट आंसर है आबारा मसीहा, और आबारों के मसीहा है कौन, विष्णु, आबारों के मसीहा कौन, विष्णु, तो विष्णु प्रभाकर। स्मृति की रेखाएं, और सर स्मृति की रेखाओं में केवल महादेवी विराजमान है, ठीक है। कलम का सिपाही, कलम बोले, कलम बोले सर, ये कलम का सिपाही तो अमृत राय। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें कहाँ स्थापित कर देते लोग, बोले सर वृक्ष के नीचे, तो राम वृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। तो आबारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, कलम का सिपाही अमृत राय, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। कौन सी कृति राहुल सांकृत्यायन की है, कौन सी कृति राहुल सांकृत्यायन की है, अरे याया बर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, घुमक्कड़ शास्त्र, या फिर हमारी जापान यात्रा। अरे याया बर रहेगा याद, रतिपाल जी, वंदना सिंह जी, कौन सी कृति राहुल सांकृत्यायन की है। कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक ये लाइक वाला बटन नहीं दबाया, भाई साहब लाइक तो दबाना पड़ेगा आप लोगों को, गुरु दक्षिणा तो देकर जानी ही होगी, है ना, क्योंकि ये तो एक परंपरा चली आ रही कि गुरु दक्षिणा के बिना काम नहीं बनेगा, आपका भी काम नहीं बनेगा भैया गुरु दक्षिणा के बिना। आप सोचो कि सर हम आपको निराश करें और हम आगे बढ़े, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु को खुश करो, दिन दूने रात चौगने आगे बढ़ोगे, लाइक तो करके जाना ही है सभी को। कौन सी कृति राहुल सांकृत्यायन की है ना, तो यहाँ पर सभी लोगों का आंसर जा रहा है 100 नंबर में कि सर इनकी जो है घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है, सी नंबर सही है, सी नंबर राइट आंसर है। टमाटर जी ने टमाटर भेज दिए, बोले सर जौन सा लेना हो ले लो, एक ले लो, ठीक है। तो मनीषा जी, योगेंद्र जी, आज बहुत सारे क्वेश्चनों पे अपन ने चर्चा की है, और इतने सारे क्वेश्चन अपन रोज पढ़ते हैं, ठीक है ना। जे कौन है भैया, डाली पांडे जी, डाली पांडे जी आपका भी नाम ले लिया, वंदना जी, तारसु पूर्णिमा जी, ठीक है। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों जिनको भी ये बुक मंगवानी है, ये 3000 MCQ वाली ये बुक आप सभी साथी मंगवा सकते हो, ठीक है। मनीषा जी, ममता जी, दारसु, प्रियंका जी, ठीक है, तनु जी, डाली जी, सागर जी, है ना, बहुत बढ़िया, श्वेता जी और अनीता राजपूत, सागर जी, अजय जी, रति पाल जी, कमलाकांत, बिंदु, अनिल ठाकुर जी, रेखा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, विजय शंकर जी हैं, ममता जी हैं, संगीता जी, सागर जी हैं, सुनील तिवारी जी हैं प्रयागराज से, बहुत बढ़िया, आलोक जी, विवेक जी, सागर जी, ठीक है, शिव कुमार जी, मोहित जी, लवली ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद, रिंकू राय जी, ठीक है, मनीषा गिल जी, स्टेटस जी, श्वेता जी, विवेक जी, कल्पना अयोध्या जी, पार्वती जी, जानवी जी, ठीक है, हाँ, गुरु दक्षिणा भूल नहीं जाना, ठीक है, प्रेम जी, बहुत बढ़िया, विवेक जी, है ना, हाँ, तनु जैन जी, ठीक है, श्वेता जी, आरती जी, बिंदु जी, प्रीति, अनीता जी, चंदन जी, सुनीता, विजय जी, रवि शंकर जी, रीनू, सूर्यवंशी जी, विनोद जी, शिखा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, आरती जी, बिंदु, लता जी, संदीप जी, प्रिया, अंश जी, रवि शंकर जी, लवली जी, वेरी गुड, सपना सिंह जी, वेरी गुड,
बहुत बढ़िया सपना सिंह जी, संगीता, देवेंद्र, मुस्कान, बाबा जी, गुंजा जी, ममता, आरती, बीनू, राजेश्वरी जी, ठीक है, माही जी, अनुराग यादव, जाहेद अली जी, देवेंद्र जी, धनराज जी, संगीता, आरती वर्मा जी, बिल्कुल है ना, हाँ, आस्था जी, देवेंद्र, मनीषा, ठीक है, रौनक जी, टमाटर जी ज्यादा मुस्की मार रहे हैं आज, क्या बात है, ज्यादा ही खुश लग रहे हैं, खाना बन गया क्या? आनंद जी, सत्येंद्र जी, उपासना, नमिता जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, प्रताप जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विश्वास मलिक जी, ओम प्रकाश जी, रतिपाल जी, रतिपाल जी, सभी साथियों को धन्यवाद, आप लोग भी कितने अच्छे हो कि सर आप गुरु दक्षिणा की बात कर रहे हो, जौन सी भी दक्षिणा लेना बोल ले लो, है ना, आलोक रीनू जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी प्रकार से निरंतर पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, देवव्रत जी हैं, विवेक जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, मुकुंद जी हैं, शालिनी जी हैं, माया राम जी हैं, बहुत बढ़िया, दीपा जी, दीपा जी, ममता जी, ठीक है, राकेश कुमार गोस्वामी जी हैं, राकेश जी, सुनीता जी हैं, बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद, ठीक है, कुमुद जी, बहुत बढ़िया।